another example based on memory levels. इसके साथ pointers के through just memory level के concepts discuss करेंगे. जैसा कि इसके साथ just function call किया जाए, call function. Call function का just return type क्या है? Int star. Finally, इस function से return क्या हुआ? Address of integer variable. इसके साथ मैंने return क्या करा है? Address of x. लेकिन अगर आप concentrate करो x के respect में x का story class क्या है? Auto story class. ऑटो स्टोरेज क्लास के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस फंक्शन बॉडी के अंदर एंटर होता है इमीडिएटली परफॉर्म क्या होगा मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स. सिमिलरली जैसे रिटर्न स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल जब कॉलिंग प्लेस पर सेंड होगा देन जस्ट सेंड होने से जस्ट पहले परफॉर्म क्या हो जाए डी एलोकेशन ऑफ एक्स. मीन्स फाइनली इस केस में आप किस टाइप का एड्रेस रिटर्न करा रहे हो? एड्रेस ऑफ अनरिजर्व्ड मेमोरी प्लेस. मीन्स इमेज रिजल्ट और एड्रेस रिटर्न होने के जस्ट बाद इमीडिएटली परफॉर्म किया हो रहा है डी एलोकेशन फॉर दैट लोकेशन. इस फाइनली इस केस में जिस पॉइंटर के अंदर एक्स का एड्रेस असाइन हुआ उस एड्रेस का उस पॉइंटर का टाइप क्या हुआ? पॉइंटर बिकम्स डैंगलिंग पॉइंटर. डैंगलिंग पॉइंटर मीन्स एनी पॉइंटर वेरिएबल व्हिच इज पॉइंटिंग और विच इज होल्डिंग एड्रेस ऑफ अननोन मेमोरी लोकेशन और एड्रेस ऑफ अनरिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन. सच टाइप ऑफ पॉइंटर इज नथिंग बट इट इज अ डैंगलिंग पॉइंटर्स. चेक करते हैं इस केस में. मीन्स सबसे पहले इस केस में परफॉर्म क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फ्रॉम मेन फंक्शंस. इसको सिक्वेंस मार्क करना है वन देन टू. सेकेंड केस में जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर हुआ इमीडिएटली सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे? मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन और वी कैन से ऑटो वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शंस. तो मेन फंक्शन के अंदर ओनली सिंगल ऑटो वेरिएबल क्रिएट किया है. एड्रेसिंग इज 100, 98, 96, 94. इस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल क्या है? पीटीआर. तो एलोकेशन किसके लिए हुआ? पीटीआर. पीटीआर करंटली किस फंक्शन के लिए कॉल हुआ? इट इज अ वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन. नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद सेकंड स्टेटमेंट में और नेक्स्ट केस में कॉल क्या हो रहा है? फंक्शन नेम इज कॉल. यानी एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड हुआ हेडर ऑफ द कॉल फंक्शन. दिस इज द फोर्थ सिक्वेंस. अगेन जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ कॉल फंक्शन देन इस फिफ्थ केस में इमीडिएटली सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ? मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल ऑफ कॉल फंक्शन विच इज एक्स. नेक्स्ट टाइम मेमोरी किसके लिए एलोकेट करा है? एक्स के लिए. लेकिन एक्स किस फंक्शन के लिए कॉल हुआ है? किस फंक्शन के लिए एलोकेट हुआ है? मेन के लिए या कॉल फंक्शन के लिए? कॉल फंक्शन के लिए. जबकि पीटीआर किसका मेंबर है? मेन मेथड और मेन फंक्शंस. देन इसके जस्ट बाद एक्स क्रिएट होगा. एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या है? 25. इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में परफॉर्म क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट इन एक्स. नाउ एक्स बिकम्स 26. देन सेवंथ केस. सेवंथ केस में फाइनली रिटर्न क्या हो रहा है? एड्रेस ऑफ एक्स. डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स का एड्रेस क्या है? 98. इसलिए फाइनली कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या होगा? इसे सेवन का दिस इज द एट्थ सिक्वेंस. कॉलिंग प्लेस पर क्या आएगा? 98. जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर एंटर होगा जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन से कॉल के लिए सेंड हुआ परफॉर्म किया एलोकेशन ऑफ एक्स. जब वापस रिटर्न होगा इस केस में परफॉर्म क्या हो जाएगा? डी एलोकेशन ऑफ एक्स. लेकिन ये ऑलरेडी रिटर्न क्या कर चुका है? 98. इसलिए 98 असाइन किस में रहा? इनसाइड पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर. क्लियर. इस केस में पीटीआर इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा. लेकिन ये 98 लोकेशन करेंटली कैसा? रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड लोकेशन. अनरिजर्व्ड करेंटली इसका कोई नेम है क्या? नहीं. लेकिन पीटीआर के रिस्पेक्ट में इसका नेम क्या हुआ? स्टार पीटीआर. इस केस में पीटीआर रिजर्व्ड लोकेशन लेकिन स्टार पीटीआर कैसा? अनरिजर्व्ड प्लेस. अनरिजर्व्ड प्लेस मीन्स इसके जस्ट बाद अगर नेक्स्ट टाइम आप फिर से कोई फंक्शन कॉल करो देन सेम प्लेस पर लोड कर. मीन्स नेक्स्ट फंक्शन अगेन सेम प्लेस पर लोड होगा? डिफरेंट प्लेस. सेम प्लेस क्योंकि स्टैक के अंदर टॉप एम्प्टी प्लेस कौन सा? 98. देन इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए जस्ट कॉल क्या किया? सी एल आर एस सी आर फंक्शन. इस प्लेस पर आप कोई भी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली सी एल आर एस सी. जस्ट मैंने इस फंक्शन को कॉल करने का मेरा पर्पज क्या था? मीन्स करंटली अभी स्टैक के टॉप में लोडिंग किसके लिए हुआ है? ओनली फॉर मेन फंक्शन. तो मेन के जस्ट टॉप में अगेन लोडिंग किसके लिए हो जाए? सी एल आर एस सी आर. और सी एल आर एस सी आर के जब लॉजिक से एग्जीक्यूट होंगे हो सकता है इस फंक्शन के अंदर भी कुछ लोकल वेरिएबल्स डिफाइन हो. अब उन लोकल वेरिएबल्स के थ्रू इस प्लेस पर कौन सा वैल्यू असाइन हो चुका है आफ्टर ऑपरेशन, इसका आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं. मीन्स फाइंड इस प्लेस पर आपके लिए वैल्यू कैसा है? अननोन वैल्यू. क्लियर. सम अननोन वैल्यू और वी कैन से सिंपली गार्बेज. अननोन वैल्यू को नेम दो कह गार्बेज वैल्यू. उसके जस्ट बाद फिर से कंट्रोल का रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस मीन मेन फंक्शन. मेन के अंदर सिंपली डिस्प्ले क्या करा है? वैल्यू ऑफ स्टार पीटीआर. स्टार पीटीआर मीन्स पीटीआर में क्या स्टोर है? 98. वैल्यू किसका है? स्टार 98 लोकेशन का. और स्टार 98 लोकेशन क्या? गार्बेज वैल्यू. इसलिए फाइनली इसका आउटपुट क्या है? गार्बेज और 26. जस्ट गार्बेज वैल्यू. बस सेम केस में आप इस एग्जाम्पल को अगेन ट्राई करना बाई डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल एज स्टैटिक. अगर आप सेम वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन करोगे तो इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा स्टैटिक के केस में?
26. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास.